मंजिल तो मिल ही जाएगी भटककर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफे जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। इस किस्त में मैं आपको ले चलूंगा राजस्थान के शहर जोधपुर में, जिसे सन सिटी का भी खिताब मिला है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ आफताब की चमक और तपिश पूरे साल बरकरार रहती है। जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। राजस्थान की विरासती तहजीब, रिवायती खानपान, पहनावा और रेगिस्तान की वजह से सैरो सैयाहत के लिए एक अहम जगह मानी जाती है। मुख्तलिफ किलों और मंदिरों का रिहाइश, राजपुताना हुकूमत की शानो शौकत और बहादुरी की अजीम दास्तान जोधपुर। गर्म मौसम की वजह से सूरज का शहर कहा जाने वाला जोधपुर नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। नाजरीन, मेरे पीछे है राज जोधा की मूर्ति, यहाँ के पहले राजा की, जिनके नाम की वजह से इस शहर का नाम जोधपुर पड़ा। दस किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घिरा ये नीला शहर सच में नीला है। रिवायत है कि पुराने दौर में नीले घर ब्राह्मणों के रिहाइश का मजहर थे। इस रिवायत को बाद में गैर ब्राह्मणों ने भी अपना लिया। ऐसा यकीन किया जाता था कि नीले घरों का ये जादुई रंग कीट पतंगों को दूर रखता है। रंग बिरंगे रिवायती पहनावे, खुशनुमा मिजाज और जोधपुर की आवाम की तर्ज जिंदगी अपनी ओर खींचने वाली है। जहां जोधपुर अपने मिजाज की छाप सैयाहों पर छोड़ देता है, वहीं सैयाह भी अपने फन की छाप जोधपुर पर छोड़ने में पीछे नहीं है। बारिश के पानी को नहर के रास्ते आवाम तक पहुंचाने के लिए जोधपुर में 5 टैंकों की तामीर कराई गई थी। जोधपुर शहर का मरकजी मुकाम घंटा घर है, जहां से शहर के लोग अपने पूरे रंग में नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जोधपुर आने वाले सैयाह खास तौर पर मेहरानगढ़ किले को देखने आते हैं। जोधपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर वाकई मेहरानगढ़ किला शहर के हर हिस्से से नजर आता है। जनाब, ये मेहरानगढ़ फोर्ट का रास्ता किधर से होगा? मेहरानगढ़ किले का रास्ता सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा। चलिए साहब, पुराने शहर से मेहरानगढ़ किले तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।
पथरीली पहाड़ी पर मौजूद मेहरानगढ़ किले की ऊंचाई 120 मीटर है। किले के दाखिली दरवाजे का नाम जयपाल है। तकरीबन 7 दाखिली दरवाजे और बेहिसाब बुर्जों वाला यह किला 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस वक्त ठीक हम मेहरानगढ़ किले के पास खड़े हैं। ये इसका दरवाजा है, पहला अहम दरवाजा। मैं अंदर जाऊंगा और यहाँ के बारे में आपकी मालूमात में कुछ इजाफा करूंगा। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस किले में और क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिर्फ तोपे ही तोपे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इन्हें देख के ही अंदाजा हो जाता है कि उस जमाने में कितनी खतरनाक जंगें हुआ करती होंगी। किले के चारों तरफ तोपों को उसी हालत और जगह पर सहेज कर रखा गया है जिस हालत और जगह पर ये तोप अपने इस्तेमाल के वक्त हुआ करती थी। ये तोप 18वीं सदी के आसपास इस्तेमाल में लाई जाती थी। उस सदी के निशान तोप के ऊपर आज भी पुख्ता हैं। दुश्मनी हमले से किले को महफूज रखने के लिए ये तोप बड़ी कारागर हुआ करती थी। यहाँ रखी तोपों में तिलकिला तोप को सबसे अच्छी तोप माना जाता है। तोप के गोलों के दाग और जलने के निशान किले के ऊपर जगह जगह आज भी मौजूद हैं। यहां से खड़े होकर देखने पर शहर का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। यहां से जोधपुर के मौजूदा राजा गज सिंह का महल भी देखा जा सकता है। पूरे जोधपुर शहर को एक बार में देखने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप किले के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, राजशाही शानो शौकत और उनकी तर्ज जिंदगी का एक एक किस्सा खुद ब खुद बयान होने लगता है। किले के अंदर कई शानदार महल, हैरत अंगेज कर देने वाले नक्काशीदार दरवाजे, जालीदार खिड़कियां राजपुताना आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है। जद जद देखा बनारी लाल पीली अखियां, जद जद देखा बनारी लाल पीली अखियां, कोनी डरा सा ए भलाई का दो बकिया, कोनी डरा सा भलाई का दो बकिया। मेहरानगढ़ किला मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के अलावा पालकी, हाथियों के होंदे, छोटी और बड़ी रंग अमेज और साज नवाज के सामान को सहेज कर रखे होने की वजह से म्यूजियम की शक्ल पा चुका है।
किले के अंदर श्रीनगर चौक में मौजूद गैलरी में हाथी के होंदे और जयपुर की शाही पालकी और डोली का नायाब मजमुआ सहेज कर रखा गया है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ उस जगह जहाँ पर राजा अपने सिपाही सलार और मंत्रियों के साथ बैठ के बातें किया करते थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस महल को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजपुताना बादशाहों की क्या शानो शौकत रही होगी। रंग बिरंगी खिड़कियां, कालीन, दीवारों और छतों पर सोने का काम अपने आप में लाजवाब है। मेहरानगढ़ किले का दीवाने आम महाराज के दरबार की शक्ल में इस्तेमाल होता था। दीवाने आम में हर दिन महाराज का दरबार लगता था, जहां बड़ी तादाद में आवाम अपनी फरियाद लेकर आया करती थी। जोधपुर के महाराज गज सिंह फन, मौसीकी और राजस्थानी फोक के बहुत बड़े कदरदान और शौकीन हैं। महाराज गज सिंह वक्तन फवक्तन राजस्थान और दुनिया भर के फनकारों को अपना फन पेश करने की दावत देते रहते हैं। मेहरानगढ़ किले में एक दरगाह भी मौजूद है, जहां अकीदत के साथ साथ कव्वाली भी की जाती है। Thank you.
नाज़रीन, हम जब भी राजस्थान का तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि यहाँ पर बहुत सख्त गर्मी पड़ती होगी, रेतीले मैदान होंगे और हरियाली का शायद दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। लेकिन आप मेरे आसपास और काफ़ी दूर तक देख सकते हैं कि काफ़ी हरियाली है, चरिंद परिंद भी हैं और बहुत खुशनुमा माहौल है। हालांकि गर्मी है यहाँ पर, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, गर्मी है और थोड़ी सख्त भी है, लेकिन इन सब जगहों पर जो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि बहुत गर्म होगा और आपको सिर्फ रेत के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप भी जब कभी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाएंगे और इस तरह के मंजर देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। मेहरानगढ़ से 1 किलोमीटर दूर जनूबी मशरकी सिमत की जानिब बना जसवंत थाडा की तामीर सन 1899 ईस्वी में महाराज जसवंत सिंह दोयम और उनके सिपाहियों की याद में की गई है। शहर के शोर शराबे से दूर ये एक अमन पजीर जगह है जहां से शहर के पुरकशिश मनाजिर देखे जा सकते हैं। इस इमारत को करीले से तराशे हुए हल्के पीले संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। पत्थर बेहद महीन और पतले होने के साथ साथ इस कदर पॉलिश किए गए हैं कि सूरज की रोशनी जब फर्श पर पड़ती है तो एक सुनहरी चमक फैल जाती है जिससे जसवंत थाड़ा बेहद खूबसूरत नजर आता है। जसवंत थाड़ा का इस्तेमाल राजपूत बादशाहों के आखिरी रिवायती रस्मों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जसवंत थाड़ा की इमारत मैदानों में वाकई खूबसूरत बागीचे और छोटी सी झील की वजह से भी खास है। जसवंत थाड़ा की दूसरी अहम और दिलचस्प बात जोधपुर के 13वीं सदी के हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। जोधपुर की शान चरागाह होने के बाद एक ऐसा खूबसूरत मंजर पेश करती है, लगता है कि आप परियों की दुनिया में आ गए हों। परियों के किस्से, कहानियों और दास्तान का सारा अदब जोधपुर की शाम में सिमट कर रह जाता है। जोधपुर का जादुई मिजाज शाम के वक्त और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है। नाज़रीन, मैं बैठा हूं इस वक्त मेहरानगढ़ किले के पीछे और मैंने अपने खाने के लिए मंगवाया है दाल बाटी चूरमा, जो राजस्थान का एक बहुत ही मशहूर खाना है। तो मैं इसे खाऊंगा और आपको देख के बताऊंगा कि ये इतना मशहूर किस लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थाली में रखे हैं टमाटर, खीरा, प्याज, दो दाल है, ये चूरमा कहलाता है और ये है बाटी। इसका जायका मैं आपको लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ कि ये अपने जायके की वजह से ही मशहूर है। ये बनता है आटे से, सूजी से, और जिसमें जौ मिलाया जाता है और नमक मिलाया जाता है। ये तूर दाल है और इस चूरमे के लिए भी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो इस बाटी को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बस इसमें आखिर में शक्कर मिला दी जाती है, तो एक तरीके से ये आपका मीठा हो जाता है खाना खाने के बाद। और जब तक मैं इसका जायका लेता हूँ, आप अपना छोटा सा काम जो भी आपको करना है वो कर लीजिए और ज़रूर मेरे पास दोबारा आइए, क्योंकि मैं आपको राजस्थान की और भी खसूसियात दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ।
जोधपुर की सुबह में आपका खैर मकदम होता है मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियों से। जोधपुर के बाजारों की रौनक सुबह के वक्त और ज्यादा निखर कर सामने आती है। जोधपुर में इलाकाई लोगों की सुबह होती है चाय से। नाजरीन, कल मैंने यहाँ का राजस्थान का बहुत ही मशहूर दाल बाटी चूरमा खाया था। आज मैं यहाँ पर मक्खन या लस्सी पीने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि उसका जायका भी उतना ही अच्छा होगा जितना दाल बाटी चूरमा का था। लस्सी आ चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें लस्सी में चम्मच का क्या काम है, तो मैं बता दूं कि चम्मच इसलिए कि इसमें बहुत सारी मलाई पड़ी हुई है। तो मैं मलाई से ही शुरुआत करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों को थोड़ी जलन महसूस हो रही होगी कि मैं इस जगह बैठ जाता हूं तो दाल बाटी चूरमा खाने लगता हूं, उस जगह बैठ जाता हूं तो लस्सी पीने लगता हूं। लेकिन यकीन जानिए कि जब आप इस शहर में आएंगे तो आपको देख के भी लोगों को उतनी ही जलन होगी जितनी आपको मुझे देखकर हो रही है। जोधपुर का 100 साल पुराना घंटाघर यहाँ के अहम मकामात में से एक है। यहाँ से पुराने शहर के लिए कई गलियाँ निकलती हैं जहाँ आपको मिल जाएंगी चांदी से बनी चीजें, हाथ कारीगरी का सामान और मिठाइयाँ। मैं आपको इस बाजार की रौनक दिखाता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर हम कुछ खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। तो आइए नाजरीन, मेरे साथ चलते हैं इस बाजार में। बाजार की ज्यादातर दुकानें उम्दा और लाजवाब सामानों की खरीदो फरोख्त करती हैं, साथ ही दुकानों की सालों पुरानी तारीख भी इस बाजार को खास बनाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जोधपुर में हाथ कारीगरी के सामान भी काफी सारे मिल जाते हैं और काफी अच्छे सामान होते हैं। तो आइए, मुझे एक दुकान दिख रही है यहाँ पर, मैं अंदर जाऊंगा और यहाँ की कुछ मशहूर चीजें और अच्छी चीजें देखने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ चांदी से बनी हुई चीजें भी काफी मशहूर हैं। आप देख सकते हैं कि ये चांदी ऊपर का इसका पूरा काम जो है वो चांदी से हुआ हुआ है और अंदर ये बहुत ही खूबसूरत सी नजर आ रही है। इसका आप अगर ये पकड़ने वाला जिसे मुट बोलते हैं उसे देखेंगे तो ये काफी अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। जोधपुर अपनी दस्तकारी और बारादोजी के लिए भी अहम है। इसके अलावा रंगरेजी का काम, ब्लॉक प्रिंटिंग और पैचवर्क भी जोधपुर में बड़े पैमाने पर होता है, जिसे चिप्पा फिरके के लोग करते हैं। ये दस्तकारी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहद पसंद आती है। नाज़रीन, जोधपुर का सफर मेरा यहीं तक का था। मैं जा रहा हूं एक नई मंजिल की और एक नए शहर की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आंखों में महफूज रखना सितारों को, अब दूर तलक सिर्फ रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई,
फिक्र मत करे मेरे भाई, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी, नहीं तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल? मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।